नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ड्रोन हमले में मारा गया जिहादी जॉन, आईएस ने की पुष्टि। आईएसआई से इस बात की पुष्टि की है कि कई बंदूकों का सिर कलम करने वाला खूंखार आतंकी जिहादी जॉन मारा गया है। आतंकी संगठन ने कहा कि जिहादी जॉन नवंबर में उसके सीरियाई गढ़ रक्का शहर में एक ड्रोन हमले में मारा गया था। मीडिया द्वारा बीते वर्ष फरवरी में जिहादी जॉन की पहचान अरब मूल के 27 वर्षीय ब्रिटेन निवासी मोहम्मद एमवाजी के रूप में की गई थी। आईएसआईएस ने अपनी ऑनलाइन पत्रिका में कहा कि एमवाजी पिछले साल 12 नवंबर को रक्का में एक ड्रोन हमले में मारा गया जब वह अपनी कार में जा रहा था। आतंकी संगठन ने अपनी इस ऑनलाइन पत्रिका में अबू मुराहिब अल मुजाहिर उपनाम से उसके बारे में जिक्र किया था। इससे पहले बीते वर्ष नवंबर में अमेरिका सेना ने कहा था कि वह इस बात को लेकर काफी हद तक आश्वस्त है कि आईएसआईएस आतंकवादी जिहादी जॉन सीरिया में उसके हवाई हमलों में मारा गया। फेसबुक का चाय पर आरोप, नेट न्यूट्रलिटी पर ब्लॉक किए ईमेल। फेसबुक ने आरोप लगाया कि दूर संचार नियामक ट्राई के कार्यालय में किसी ने उनकी वेबसाइट से ईमेल ब्लॉक कर दिया, जिसका इस्तेमाल लोग निर्धारण मूल्य के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियों को साझा करने के लिए किया करते थे। फेसबुक ने ट्राई की ओर से डाटा सेवाओं के लिए निर्धारण मूल्य के लिए नियमन प्रारूप पर एक परामर्श पत्र पेश किए जाने के जवाब में अपने इंटरनेट प्लेटफॉर्म फ्री बेसिक्स का बचाव करने के लिए अभियान शुरू किया है। इस सोशल मीडिया कंपनी की चिंता है कि नियामक उसके फ्री बेसिक्स मंच को प्रतिबंधित कर सकता है। फ्री बेसिक्स कुछ वेबसाइट एवं एप्लीकेशन को संचालित करने की सुविधा प्रदान करता है। अपने इस मंच के बचाव में फेसबुक ने जोरदार ढंग से अभियान शुरू कर रखा है। हाफिज सईद की चैरिटी पर पाक में लग सकता है प्रतिबंध। पाकिस्तान जमात उद्दावा प्रमुख हाफिज सईद द्वारा संचालित एक धर्मार्थ संस्था फलाए इंसानियत पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रहा है। द नेशन अखबार की खबर के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने FIF को प्रतिबंधित करने से पहले सभी साझेदारों के साथ गंभीरता से मशविरा किया है और अगले कुछ दिनों में एक आखिरी फैसला किया जाएगा। धर्मार्थ संस्था सईद संचालित कर रहा है, जो 2008 के मुंबई हमलों का सरगना है।